सत्ता में वापसी के लिए भाजपा राजस्थान में एक बार फिर यात्रा निकालने जा रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने हर बार राजनीतिक यात्रा को हथियार बनाया है और इस बार भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जीत के लिए चार बड़े धार्मिक स्थानों से इस यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में क्या यात्रा के माध्यम से बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी और क्या कांग्रेस को इस यात्रा से नुकसान होगा, इसे लेकर आज बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं आदित्य आत्रे। इस बार भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा 2 सितंबर से प्रदेश के चार बड़े धार्मिक स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी को इस धार्मिक यात्रा से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वर्ष 2003 में और वर्ष 2013 में जब भाजपा ने यात्रा निकाली तब बीजेपी कामयाब रही और सत्ता में वापसी की। ऐसे में यात्रा का फॉर्मूला राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर से आजमाना चाह रही है। हालांकि पिछली दोनों यात्राओं में वसुंधरा राजे भाजपा का चेहरा रही थी, लेकिन इस बार जो यात्रा की कमान है वो वसुंधरा राजे के हाथों में नहीं है। चलिए पहले बात करते हैं आखिर यात्रा का फॉर्मूला बीजेपी आखिर लेकर आई कहां से। बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान में पहली बार सरकार बनी थी, लेकिन इसके बाद 1998 के चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी। इन चुनाव में बीजेपी सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन गए और राजस्थान में बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्ष 2002 में राजस्थान बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनी और पहली बार बीजेपी ने 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में यात्रा निकाली। इस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सभी 200 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर यात्रा निकाली गई और 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली और वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इसके बाद वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर सुराज संकल्प यात्रा निकाली और ये यात्रा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस बार की यात्रा की कमान वसुंधरा राजे के हाथों में रखी गई। जो 2013 में यात्रा निकाली गई उसकी पूरी कमान वसुंधरा राजे के हाथों में थी और 2013 के विधानसभा चुनाव में एक जादुई आंकड़ा बीजेपी ने छुआ। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली और 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने जो है कब्जा जमाया। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, जिसे बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा नाम दिया है। यह यात्रा बीजेपी प्रदेश के चार बड़े धार्मिक स्थानों से निकालेगी, जिसका मोटा मोटा जो कारण माना जा रहा है कि जो ये धार्मिक स्थान है यहाँ पे सीधे तौर पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जो राजस्थान के करोड़ों लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को छूने का प्रयास, जिसमें हर वर्ग शामिल है, बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। भाजपा ने राजस्थान के चार बड़े जो धार्मिक स्थान है, जिनमें त्रिनेत्र गणेश जी हैं, बेणेश्वर धाम है, रामदेवरा धाम है और गोगामेड़ी से यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। ये सीधे सीधे करोड़ों लोगों की, जैसा कि हमने बात की कि सीधे सीधे करोड़ों लोगों की आस्था को छूने का प्रयास इस दौरान बीजेपी करेगी, लेकिन इस बार यात्रा में बीजेपी बिना किसी चेहरे के मैदान में उतर रही है और लगातार ये चर्चा सियासी गलियारों में भी है। भाजपा चाहती तो किसी भी एक बड़े नेता या प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल सकती थी, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने के लिए यात्रा का पुराना फॉर्मूला तो अपनाया है, लेकिन रणनीति अब पूरी तरह से बदल दी है। भाजपा को यह विश्वास है कि पीएम मोदी पर देश की जनता को पूरा भरोसा है और पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर सभाओं को संबोधित भी किया है। उनकी सभाओं में जबरदस्त लोगों का क्रेज भी देखने को मिला। काफी बड़ी संख्या में जो मोदी की सभा थी वहां पर लोग पहुंचे। ऐसे में चुनाव में इस बार बीजेपी राजस्थान के चुनाव में पीएम मोदी के कामकाज और केंद्र की योजनाओं को लेकर मैदान में उतर रही है।
देखिए, अब सीधे तौर पे बात करते हैं कि बीजेपी की जो ये परिवर्तन यात्रा रहेगी, इसका रूट मैप क्या रहेगा, कितने दिन ये यात्रा चलेगी और किस दिन कौन सा जो बड़ा बीजेपी का नेता है वो पहुंचकर इस जो यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाने वाला है। देखिए, बीजेपी अपनी पहली यात्रा 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर से शुरू करने वाली है। इस यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा तकरीबन 18 दिनों तक चलेगी और लगभग 1847 किलोमीटर का जो इलाका है वो पूरा इस यात्रा के अंदर होने वाला है। दूसरी जो यात्रा है वो 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से निकाली जाएगी। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह यात्रा 19 दिनों तक चलेगी और तकरीबन 2433 किलोमीटर चलते हुए 52 विधानसभा क्षेत्र है उसको कवर करेगी। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होने वाली है, जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा सबसे जो ये तीसरी यात्रा है ये राजस्थान के सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, विधानसभा क्षेत्र है, उसको कवर करेगी। लगभग 18 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 2500 किलोमीटर से भी अधिक अपना सफर तय करने वाली है। इसके अलावा अब बात करें तो जो चौथी यात्रा है वो 5 सितंबर को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से निकाली जाएगी, जिसे केंद्रीय सड़क यातायात मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 18 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा लगभग 2000 से अधिक का किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस दौरान तकरीबन 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। देखिए, लगातार सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इससे पहले जब 2003 में और 2013 में वसुंधरा जब प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले यात्राएं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकाली गई है, लेकिन इस बार लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि क्या वसुंधरा राजे इन यात्राओं का हिस्सा होगी या नहीं होगी। सियासी गलियारों में इस तरह की कई चर्चाएं चल रही है। जो ये परिवर्तन यात्रा है इसमें बीजेपी ने फिलहाल वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है और ऐसे में अब लगभग ये भी संशय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जितने भी बीजेपी के बड़े कार्यक्रम स्थानीय जो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी ओर से आयोजित किए गए, चाहे सचिवालय का घेराव हो या फिर इसके अलावा जितने भी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए गए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी। ऐसे में अब क्या इस परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, इसकी निगाहें पूरी प्रदेश की जनता की निगाहें इस पर जमी हुई है कि आखिर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी बीजेपी वसुंधरा राजे को देती है या नहीं देती है। फिलहाल द नगरी न्यूज़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।